नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की। बता दें, राजू श्रीवास्तव के लिए कल मुंबई के जुहू बीच के हॉल में प्रेयर मीट रखी गई थी। परिवार ने प्रेयर मीट के लिए फैमिली एंड फ्रेंड्स को इन्विटेशन दिया था, जिसके बाद कल बॉलीवुड और साथ ही छोटे पर्दे से कई लोग राजू श्रीवास्तव की इस अंतिम सभा में पहुंचे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। इस बीच परिवार काफी ज्यादा भावुक नजर आया, जहां उनकी पत्नी शिखा श्रीवास्तव राजू श्रीवास्तव को याद करते हुए रोते बिलखती नजर आई। तो वहीं यहां पर राजू श्रीवास्तव के खास दोस्त और कॉमेडियन सुनील पाल ने राजू श्रीवास्तव के लिए सरकार से एक ऐसी मांग कर दी है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं जताई थी, जिसके बाद राजू श्रीवास्तव का परिवार उनकी इस मांग को लेकर काफी ज्यादा सराहना कर रहा है। क्या कुछ कहा है सुनील पाल ने, पहले आप वो सुन लीजिए। तो सामने देखिए, जैसा आपने कहा, सचमुच सभी की भावना ऐसी कि बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ठीक है, इस लॉस की कोई पूर्ति नहीं हो सकती है। भगवान का दर्जा मैं उनको देता हूँ, क्योंकि हंसाने का काम किया है 40-45 साल तक लगातार। कुछ सालों से तो वो पिछले 15-17 सालों से जब से लॉकडाउन शो आया है, मंच के अलावा घर घर में जहाँ जहाँ हिंदी समझा जाता है, देखा जाता है, हर घर में रोज़ाना वो किसी न किसी माध्यम से आके हंसा रहे हैं। तो ये हर घर का दुख है, हर उस बंदे का दुख है जो हिंदी कॉमेडी से प्यार करता है, समझता है। तो बहुत बड़ा लॉस है, और हम सब के लिए तो कॉमेडी वालों के लिए तो कह सकते हैं कोई शब्द ही नहीं है। हमारे गुरु, हमारे मुखिया, हमारे बड़े भाई का शारीरिक रूप से हमसे बिछड़ गए, कोई शब्द ही नहीं। अभी जब मैंने एक फिल्म बनाई गाली गलौज, तो उसकी विश लेने के लिए बाइट लेने गया था उनके पास में। तो उन्होंने बोला ये क्या है, गाली गलौज है क्या? तो जैसे पसंद पता है, मैं पसंद नहीं करता गाली गलौज वाली कॉमेडी। लेकिन नहीं, फिल्म का कॉन्सेप्ट ये है कि आजकल स्टैंड अप कॉमेडी जो गाली गलौज आ गया, इसके खिलाफ है ये फिल्म। तो उन्होंने कहा आप बाइट दे दीजिए उसके लिए। तो बोले कब रिलीज़ कब हो रही है? तो उन्होंने थोड़ा टाइम है, तो बोले रिलीज़ का डेट लेकर आ जाए, फिर हम दोनों भाई मिलकर उसका वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मुझे भी पसंद थी गाली गलौज। साफ सुथरी कॉमेडी करते थे, पारिवारिक कॉमेडी करते थे। आपको पता ही इतने महान हस्ती को हमने शारीरिक रूप से खो दिया, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप उनकी आत्मा के लिए शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, परिवार के सपोर्ट के लिए प्रार्थना कीजिए। और साथ साथ गवर्नमेंट से मैं कहना चाहता हूँ कि ईश्वर का काम किया है उन्होंने, हंसाने का काम किया है। रोलाने लेकर तो बहुत लोग होते हैं, तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। बहुत बड़ा कार्य किया और इस काम की शुरुआत कीजिए आप। कॉमेडियंस बहुत बड़ा कार्य करते हैं, और राजू श्रीवास्तव जैसे व्यक्ति को, और उनकी एक इच्छा थी वो बायोपिक भी बने, ताकि लोगों को ये पता चले कि कैसे जीरो से हीरो एक कॉमेडियन अपने बुरे हाल भुगत कर 4-5 डिवीज़न के बाद, पहले वो ऑटो चलाते थे, पैदल चलते थे, फिर वो कैसेट आई, मंचों पे आए, फिर कैसेट पे आए, टीवी पर, फिल्मों में, और आज सबके दिलों में। तो मुझे लगता है कि बड़े से बड़े अवार्ड और रिवॉर्ड के सामने वैसे तो कुछ नहीं है कि ईश्वर का काम किया, ईश्वर के काम का कोई तुलना नहीं हो सकती। लेकिन भारत रत्न इसलिए भी, भारत का बहुत बहुत ही लाडला व्यक्ति थे। किसी भी कलाकार के लिए देखिए, क्या कलाकार की जिंदगी जी होती है, लोगों को तो बहुत चमक धमक नहीं लगती है, लेकिन वो समाज से नियमों से बिल्कुल उल्टा चलता है। जब आप सो रहे होते तो हम लोग, जब आप खा रहे होते तो हम लोग प्रोग्राम कर रहे होते, जब आप लोग बैठ के बातचीत कर रहे होते तो हम सफ़र कर रहे होते, यात्रा कर रहे होते, तो सामने देखे आप लोगों का मतलब एक सामान्य जीवन से ऐसा होता है। तो ऐसे में अगर आपको काम करना है तो टाइम, रेट, डेट कुछ फिक्स नहीं होता। बता दें, कॉमेडियन सुनील पाल शुरुआती दौर से ही राजू श्रीवास्तव के परिवार के साथ लगातार बने हुए हैं। जब से राजू श्रीवास्तव को कार्डियक अरेस्ट आया, यानी कि 10 अगस्त को राजू श्रीवास्तव को जब कार्डियक अरेस्ट आया, उसके बाद से ही लगातार सुनील पाल राजू की हेल्थ को लेकर अपडेट दे रहे थे। जब उनके निधन की खबर आई तो सुनील पाल काफी ज्यादा भावुक नजर आए। वीडियो में जिस तरह से राजू श्रीवास्तव को खोने का दुख साफ दिखाई दे रहा था, राजू श्रीवास्तव के फ्यूनरल में जब पहुंचे थे सुनील पाल, उस वक्त भी उन्होंने यही कहा कि देश के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है, देश ने आज एक बेहतरीन कॉमेडियन को खो दिया है।
और अब जिस तरह से सुनील पाल ने राजू श्रीवास्तव के लिए भारत रत्न की मांग की है, आपकी इस पर क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइफ। नमस्कार।